मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में आयोजित युवा सम्मेलन और ग्राम चौपाल और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आयोजित युवा सम्मेलन और ग्राम चौपाल में संवाद करने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए आगामी उपचुनाव में भाजपा गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भेंट किए। शुकतीर्थ में स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दंडी आश्रम के विद्यार्थियों द्वारा शंखनाद कर मंत्रोच्चारण के साथ किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार में उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश, माफिया प्रदेश, गुंडा प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त है। विकास आपका अधिकार है और विकास का नाम भाजपा है। 2014 के बाद देश प्रदेश की जनता ने लगातार भाजपा में अपना विश्वास जताया। भाजपा सरकार जो कहती है करती है। किसान सम्मान निधि की 18 किश्त किसानों के खातों में जा चुकी है। सबका साथ सबका विकास के साथ बिना किसी भेदभाव के सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक को मिल रहा है। राहुल गांधी जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं को चलाया। आज घर की मुखिया महिला है। लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। उपचुनाव को लेकर भाजपा सरकार आपके द्वार पर है। आपको भाजपा गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से जिता कर भेजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को महाशक्ति बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं का सशक्तिकरण करने का मौका मिला है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। भाजपा सरकार है तो सबका साथ सबका विकास संभव है। मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी गठबंधन जीतेगा। भारत के इतिहास में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। विपक्ष संविधान को खत्म करने का दुष्प्रचार कर रहा है। अखिलेश को कहने पर राहुल को दर्द होता है और राहुल को कहने पर अखिलेश को दर्द होता है। भाजपा सरकार आपके द्वार पर खड़ी है। आपके द्वार पर आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 10 सीटों पर उपचुनाव में गठबंधन विजय प्राप्त करेगा। विपक्ष झूठ फैलाने का काम कर रहा है। 2047 तक प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। जनता को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना है। खेल मंत्री गिरीश चंद यादव ने कहा कि पूर्व की सरकार में कोई खेल नीति नहीं थी। भाजपा सरकार की खेल नीति के चलते आज खेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सरकार अनेक योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिल रहा है। आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान जैसी योजनाओं से जनता को बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रियांशु दत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पद पर जाने के लिए विशेष परिवार में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा में साधारण व्यक्ति भी उच्च पदों पर सेवाएं दे सकता है। पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रीत पाल को 2 पदक लाने पर सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालौर जिलाध्यक्ष संदीप मलिक और संचालन डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध सैनी, अजीत राठी, ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी, क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी, राजू अहलावत, अमित कश्यप, अंचित मित्तल, सुखविंदर सोम, शरद शर्मा, प्रदीप सैनी, प्रदीप निर्वाल, श्री मोहन तायल, वंदना वर्मा, प्रदीप निर्वाल, मनोहर शर्मा आदि मौजूद रहे। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा तक मजबूती से तैयारी कर रही है। हम गठबंधन के साथ मिलकर के सभी 10 सीटें जीते इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाजवादी पार्टी बनाना चाहिए। लेकिन सर 24 में उन्होंने काफ़ी सीटें जीती हैं। वो कभी कभी बिल्ली के भाग से भी छीका टूट जाता है और उन झूठ की बोल करके लोगों को गुमराह करके जो वोट प्राप्त किए उस पर वो खड़े नहीं उतरे। जनता उनकी असलियत समझ गई है। इसे सपा हो या कांग्रेस हो, उनको अब सबक सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। सर अयोध्या का जो सपा नेता था उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। जो सपा नेता था जिसका रेप कांड में नाम आया था उसका डीएनए मैच नहीं हुआ, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह देखिए आप मुद्दा बनाया था, जिम्मेदार पत्रकार हो, नाम नहीं मैं जानता, लेकिन जब गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना होती है और ऐसे आरोपियों को अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी संरक्षण देने का काम करते हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे उनके संसदीय क्षेत्र कन्नौज का मामला हो और चाहे प्रदेश में अन्य कहीं स्थान का मामला हो, तो वो तो अपराधियों के संरक्षक बनकर के साबित हुए हैं और वह जांच चल रही है, उस पर कोर्ट में मामला है,
ऐसे अपराधी बच नहीं सकते। भाजपा 10 में से कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है उपचुनाव? देखिए ये तो पार्टी तय करेगी, जहां भाजपा लड़ेगी भाजपा जीतेगी, जहां भाजपा के सहयोगी लड़ेंगे वो सहयोगी जीतेंगे। बुलंद चारोल का ये बात तो बयान बवाल हुआ है, यतीन नरसिंह ने बयान दिया है, टैग नंबर को लेकर उसको लेकर क्या कहना है? मैं उस बयान को न देखा हूँ न उस पर कोई टिप्पणी। बवाल को लेकर क्या कहेंगे सर, किस तरीके से बवाल हुआ है? हाँ बवाल होगा, पुलिस है कार्रवाई करेगी।